अस्सलामुअलैकुम। वो अबू तो घर पे नहीं है। जानता हूँ, मामू की लाइल में ही हो रहा है ये सब, वरना तुम दोनों जरूरत न करती ऐसा। क्या मतलब है आपका? मतलब तुम मुझे समझाओगी है ना, आखिर ये बाजार में उछलने कूदने की जरूरत क्या थी? आप कैसी बातें कर रहे हो उस्मान? कैसी? और मैं कैसी बातें करूं? जब तुम बेपर्दा होकर गैर मर्दों को अपनी जानिब मुतवज्जा करोगी तो और मैं क्या कहूंगा? झुटला दो आप इसे, कहो कि ये सब झूठ है। लोग क्या कहेंगे कि उस्मान की मंगेतर इतनी बेबाक है कि सरेआम बाजारों में उड़ती फिरे? इज्जत का तमाशा तो आप लगा रहे हैं उस्मान भाई। इस तरह घर के दरवाजे पर खड़े होकर जो फूल आपके मुंह से बरस रहे हैं, उसे आते जाते लोग देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। बहुत ज्यादा जबान चलने लगी है तुम्हारी। जानता हूँ मैं, ये सब तुम्हारा किया धरा है। मेडिकल कॉलेज में जाना है ना तुम्हें, लेकिन अभी तुम इतनी आजाद नहीं हुई हो। हम इज्जतदार लोग हैं, हमें अपने रख रखाव अजीज हैं। घुट घुट कर जीने को शराफत नहीं कहते उस्मान भाई? क्या फायदा ऐसी शराफत का जो घर की इज्जत को एतबार का मान ही ना दे सके? ज्यादा मत बोलो तुम। प्लीज चुप कर जाओ। मंगेतर हूँ मैं इसका, इज्जत है ये मेरी। तो इज्जत करना भी सीखे। मंगेतर होने का ये मतलब नहीं है कि आप इनकी सांसें इन पर हराम कर दें। और ये कुछ कहती नहीं है आपको, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो दिल में आया आप बोलते चले जाएंगे। तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो, लगता है मुझे मामू से आगे बात करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल करें, शौक से करें, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि जो कुछ आप यहाँ पर आकर फरमा चुके हैं ना, जवाबन वो भी लफ्ज पर लफ्ज दोहराया जाएगा। चलो है ना, कोई जरूरत नहीं है हमें इनकी मजीद कोई बात सुनने की। आयमा, तुम्हें इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। सब क्या किया तुम? जो जैसे बात करें ना, उसे वैसे ही जवाब देना चाहिए।